Myself Sadesh Kumar, lecturer in Mathematics, Pakur Polytechnic, Pakur. Today we are going to start our topic limit, which is a part of calculus, and also it is beneficial for many first year students as well as second semester diploma engineering student. Now we are going to start limit. That लिमिट को समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि लिमिट है क्या, लिमिट होता क्या है और लिमिट का यूज हम लोग क्यों करते हैं. ठीक है, तो जब भी किसी फंक्शन, आप लोग तो फंक्शन जानते होंगे, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं कि एक्चुअली में इस फंक्शन का किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जब हम वैल्यू निकालते हैं और ये फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू देने से डिनाय कर देता है या मना कर देता है, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, लिमिट का. ठीक है, तो लिमिट का यूज, जैसे लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एंड फाइंड द वैल्यू एट x is equal to 3. अगर x is equal to 3 पे इस फंक्शन का वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग देखते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0 बाय 0. दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मीनिंगलेस. Meaning less. Now we are trying to understand concept of limit. अब बात आती है कि limit को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग देखते हैं तीन topic को, what, why and how. Limit को समझने के लिए तीन चीज को देखते हैं. What मतलब किसका हम लोग लिमिट निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे लिमिट किसका, फंक्शन. स्टूडेंट्स, किसका लिमिट निकालेंगे हम लोग, फंक्शंस का. व्हाई, कैसे, सॉरी व्हाई, क्यों निकालेंगे टू रिमूव इनडिटरमिनेट फॉर्म. अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है बता दें आप लोगों को, कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लिमिट का. ठीक है, मतलब आपको पहले बता चुके हैं कि जहां भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन अपना वैल्यू नहीं दे पाता है, उस केस में हम लोग उसके आसपास की वैल्यू को कंसीडर करते हैं और बोलते हैं कि वो उसका लिमिटिंग वैल्यू है. क्या है वो, उसका लिमिटिंग वैल्यू है. हमेशा लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में भी सेम हो सकता है, लेकिन जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा वहां पे उसका हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू. तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा है, 0/0, ∞/∞, ∞-∞, 0×∞, 0 का पावर 0, ∞ का पावर 0 एंड 1 का पावर ∞. ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि हम लोग को रिमूव करना पड़ता है अगर किसी भी फंक्शन का वैल्यू इस टाइप आ जाए या इन 7 में कुछ एक फॉर्म में आ जाए, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिमिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है, और हाउ, कैसे, टू वेरियस मेथड ऑफ लिमिट. बहुत सारे मेथड हैं लिमिट के, उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. जैसे फ्रैक्शनल मेथड है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है, और सिंप्लीफिकेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड है जिसके तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को सॉल्व करेंगे. अब देखिए 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे हुआ, ∞/∞ इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि 1×0 इज इक्वल टू 0, फिर 2×0 इज इक्वल टू 0, 3×0 इज इक्वल टू 0. अब देखते हैं हम लोग, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ये इक्वेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0/0 इज इक्वल टू 1, व्हिच इंप्लाइज दैट
जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू टू, विच इंप्लाइड है जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू थ्री। तो देखिए कोई कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि जीरो बाई जीरो सर आप बोल रहे वन भी होगा, जीरो बाई जीरो इक्वल टू टू भी होगा और जीरो बाई जीरो इक्वल टू थ्री भी होगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसी के कारण हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली में जीरो बाई जीरो होगा क्या, एक्चुअली जीरो बाई जीरो होगा क्या। सेम कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्योंकि आप लोगों को तो अच्छे से पता है कि इन्फिनिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई जीरो लिख सकते हैं, और अगर इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं वन बाई जीरो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ये फिर से आ गया क्या जीरो बाई जीरो के फॉर्म में। अगर फिर से देखा जाए हम लोग जीरो इंटू इन्फिनिटी, अगर एक चीज को मान के चले जीरो तो जीरो इंटू समथिंग आपको पता है जीरो होता है, और अगर हम लोग इन्फिनिटी को मान के देखें तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्वांटिटी क्रिएट कर रहा है ताकि हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इसका वैल्यू या तो जीरो होगा या तो इन्फिनिटी होगा, इसी कारण हम लोग इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, इसके कारण और हम लोग एक और अच्छे से एग्जांपल देख सकते हैं कि और भी लिमिट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए किसी पार्टिकल का ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो टाइम के रेस्पेक्ट में s स्क्वायर टू t स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसे बताते हैं लिमिट को समझने के लिए एक अनदर एग्जांपल देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल का ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो टाइम के रेस्पेक्ट में जो इक्वेशन दिया हुआ है s इक्वल टू t स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसको बोला जाए कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, आप लोग अभी पढ़े होंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आप लोगों को पता है कि s2 minus s1 divided by t2 minus t1, ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता भी होगा कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है s2 minus s1 divided by t2 minus t1, मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। उस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे एक नया चीज आता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर हम लोग बात करें कि एक बाइक है वो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, अगर ये स्टार्ट करता है ये जाते जाते कहीं पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसका तो कुछ तो वेलोसिटी होगा, और एग्जैक्ट t इज इक्वल टू 2 पे हम लोग क्या करते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के थोड़ा सा पहले और थोड़े से बाद वाले वेलोसिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं और तब जाके बता पाते हैं कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इतना वेलोसिटी रहा होगा। तो फिर से बताते हैं लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दो अलग अलग चीज है। लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, क्या होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं उस फंक्शन का, बस अप्रोक्स। लिमिट का मतलब होगा कि अप्रोक्स इस फंक्शन का इतना वैल्यू तक जा सकता है, लिमिट एक लिमिट होना चाहिए। तो देखिए t = 2 सेकेंड, अगर हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा टी एक स्लाइट टाइम इंटरवल हो गया, देख लीजिए हम लोग t = 2 सेकेंड की बात करते हैं, अगर हम लोग इस टी पे दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, एक तो राइट हैंड साइड से और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड से। अगर राइट हैंड साइड से हम लोग अप्रोच करना चाहेंगे तो ये टी कहां से आएगा, धीरे धीरे इस 2 सेकेंड के पास आएगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना चाहेंगे तो इधर से हम लोग कहां पे जाएंगे, टी के पास जाएंगे। ठीक है, तो टी के थोड़ा सा लेफ्ट में कितना होगा 1.999 सेकेंड होगा। ठीक है, टी के थोड़ा सा बाय राइट हैंड साइड में क्या होगा 2.0001 सेकेंड होगा। ठीक है, तो हम लोग टी को दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, पहला क्या कि एक तो हम लोग कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग राइट हैंड साइड से। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, एवरेज वेलोसिटी निकालने करें तो क्या होगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर
और माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस डेल्टा टी, और माइनस क्या हो जाएगा अगर इस टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर, एक्चुअली क्या है इसका टू स्क्वायर रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू इंटू टी इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टी स्क्वायर टी से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा टी को अगर हम लोग कॉमन लें तो टू टी और प्लस कितना डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी तो एक्चुअली में क्या है एकदम स्लाइटली एकदम वेरी वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि टी के जस्ट बाद या तो टी के जस्ट पहले, तो हम लोग टी के जस्ट बाद अभी हम लोग कंसिडर किए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है जो टेंस कर रहा है जीरो की ओर, और हम लोग को जानना है कि अगर डेल एस बाई डेल्टी लिखना है तो डेल्टी इंटू टू टी प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट भी सकता है लेकिन हम लोग नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि अगर डेल एस बाई डेल्टी लिखना होगा तो ये डेल्टी को क्या होगा जीरो की ओर टेंस करना होगा, कहां पे टेंस करना होगा जीरो की ओर, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये जीरो की ओर टेंस हो रहा है, अगर एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा तब तो ये कटेगा ही नहीं, ये करते कहीं नहीं, क्या जीरो बाई जीरो तो कुछ होता है ना, तो मीनिंगलेस होता है, वो तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे एक लिमिट लेते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो यहाँ पे हो जाएगा डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये टेंस टू जीरो का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये जीरो की ओर टेंस कर रहा है, और इसी को शॉर्ट फॉर्मेशन में लिखते हैं ds by dt विच इज इक्वल टू, ये t से t कट जाएगा और डेल्टा t जब लगभग जीरो के बराबर होगा तो 2 इंटू टू t बचेगा, और एट t इज इक्वल टू 2 पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू टू दैट इज 2 इंटू टू दैट इज 4 सेकेंड, दैट इज 4 सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअली में लिमिट का जरूरत क्यों पड़ा, अगर डेल्टा बाई डेल्टा टी बाई डेल्टा टी हम लोग को कट कर सकते थे तो ये तो हम लोग आसानी से कर सकते थे कि नहीं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग को अगर टी पे जब टी पे निकालना होगा तो उसके लिए टी को क्या होना चाहिए डेल्टा टी को जीरो होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं ये तो रहा एक तरफ से राइट हैंड साइड से, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करें उस केस में भी क्या होगा डेल एस बाई डेल टी टी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा टी माइनस डेल्टा टी, क्या होगा बाबू टी माइनस डेल्टा टी। अब टी माइनस डेल्टा टी क्यों होगा, क्योंकि टी से जस्ट थोड़ा सा पहले, क्या होगा टी से जस्ट थोड़ा सा पहले, और यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस का टू टी डेल्टा टी प्लस का कितना हो जाएगा डेल्टी का स्क्वायर, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा टू टी माइनस का डेल्टा टी आएगा, क्या आएगा बाबू टू टी माइनस का डेल्टा टी आएगा, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा टू स्क्वायर टू सॉरी टू एट टी स्क्वायर टू टू पे फोर सेकेंड फोर मीटर पर सेकेंड। हाँ तो अब हम लोग इसको देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिमिट को समझने के लिए, आइए देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे फंक्शन कि कोई भी फंक्शन है f of x is equal to x square minus का 4 divided by x minus 2 divided by x minus 2 at x is equal to 2। इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो जब हम इस फंक्शन का वैल्यू x इसका डू 2 पे निकालते हैं तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू 0 बाय 0 व्हिच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इसी को तो हम लोग को रिमूव करना है ताकि हम लोग इसको बना सके लिमिट में। अब ये फंक्शन एट 2 पे साफ मना कर दे रहा है अपना वैल्यू देने के लिए, डिनाई कर दे रहा है, अभी हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि इस वैल्यू इस
फंक्शन का हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? आप लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं कि इसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। फंक्शन क्या था हम लोग के पास? एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एट एक्स स्क्वायर टू टू पी। ठीक है, हम लोग पास फंक्शन क्या था? एफ एस। एफ एस इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू पे हम लोग को फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का फंक्शन वैल्यू देने से मना कर दिया है टू पे, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लिख सकते हैं x माइनस टू, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे और यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस टू और डिवाइडेड बाई x माइनस टू। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग कट करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में एट x नॉट इक्वल टू टू पे, एट x इक्वल टू पे तो फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? x इक्वल x नॉट इक्वल टू टू पे हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये x माइनस टू कैंसिल होके क्या बचेगा? x प्लस टू। ये किसके बराबर हुआ? fx बराबर। किसके बराबर हुआ? fx बराबर। अब हम लोग देखते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, ये x प्लस टू क्या हुआ? एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप तो 1 हो जाएगा, और c इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? 2, विच इज इक्वल टू y। तो c इंटरसेप्ट 2 हो गया। अब इसको हम आसानी से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्लियर पता चलता है कि x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कंसिडर करते हैं 1, यहां से 2, यहां से 3। ठीक है, और यहां से हो जाएगा तो आपका -1, यहां पे -2। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि x प्लस टू और एट x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहां पे 4 आ जाएगा और 2 हो गया, यहां पे देखिए 3, यहां पे हो गया 4, यहां पे 4। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 2, 4। जरा गौर से देखिएगा फिर से कि 2 पे फंक्शन कितना रहा है? 4 पे 2। देखिए गौर से, x का वैल्यू जब भी हम लोग 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना रहा है? 4। अब इस 2 पे हम लोग दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, पहला तो लेफ्ट हैंड साइड से, दो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं, और यहां से टू की तरफ राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो एक्चुअली में हम टेबल बना के दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या होगा जब हम लोग आएंगे। यहां पे देखिए एक टेबल बना लेते हैं, क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अगर जैसे ही इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 रखें तो ये क्या होगा? 0/0 के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा बाबू? 0/0 के फॉर्म में आएगा। यहाँ x हो गया और ये तुम्हारा f of x हो जाएगा, और इसको हम लोग x का वैल्यू पहले तो हम लोग 2 रखेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 0/0। लेकिन जब भी हम लोग x का वैल्यू हम लोग अगर रखते हैं 1.9, तो y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू आएगा 3.9। अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1.999 तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा? 3.999। अगर हम लोग x का वैल्यू राइट हैंड साइड से क्लियर करें तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2.001 तो यहाँ पे कितना आएगा? 4.001। अगर 2.00002 लिखें तो यहाँ पे आएगा 4.00002। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से भी हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करें 2 के पास तो वैल्यू कितना आ रहा है? 3.99, और राइट हैंड से 2 के जस्ट पहले अप्रोच करना चाह रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4.001।
तो इससे क्लियर पता चलता है कि हम लोग का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, चार के करीब। देखिए इधर से भी हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये किसके बराबर जा रहा है, लगभग लगभग फोर के बराबर, और इधर से भी टू से हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगभग लगभग किसके बराबर जा रहा है, इस एक फिक्स्ड नंबर, एक फाइनाइट नंबर की ओर टेंड कर रहा है, और वो फाइनाइट नंबर क्या है, फोर। तो हम लोग कह सकते हैं कि x is equal to 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन x is equal to 2 पे इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 4 है। और इसको हम लोग नोटेशन में लिखते हैं कैसे, आइए बताते हैं। नोटेशन ऑफ ए लिमिट, नोटेशन ऑफ ए लिमिट क्या कहलाता है कि अगर हम लोग इसको कैपिटल एल से भी लिखते हैं, ठीक है, और भी लिखते हैं, एल टी लिखते हैं या लिमिट लिखते हैं, या लिमिट लिखते हैं, ठीक है, और ये इस एरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। एक्चुअली में ये अगर कोई लिखा जा रहा है टू टेंड्स टू, ठीक है, 2 tends to, मतलब अगर कोई नंबर है तो वो 2 की ओर टेंड कर रहा है, ना कि 2 एग्जैक्ट 2 नहीं है, वो क्या कर रहा है, 2 की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट 2 नहीं है। तो किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग लिमिटिंग नोटेशन में लिखना चाहें तो हम लोग लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर हम बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि नॉट x is equal to a, ये जस्ट a के ओर जा रहा है, a की ओर जा रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू a f of x, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस, और ये रहा f ऑफ x। और अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करें तो होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और f ऑफ x। ये x टेंड्स टू a माइनस का फिर से समझ लीजिए कि हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट 2 की बात करें तो 2 पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और a प्लस की बात करें तो अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट की बात करें जैसे यहाँ पे 2 है, तो हम लोग इस 2 पे कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आइए देखते हैं हम लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कहलाता है कि अगर किसी भी लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसी एक फाइनाइट नंबर के बराबर हो जाए तभी वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कहलाता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इट्स f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू a फाइनाइट नंबर। हाँ, अभी जैसे इस फाइनाइट नंबर यहाँ पे क्या था, 4, इस एग्जांपल में क्या था बाबू, 4, क्यों, क्योंकि ये फिक्स नंबर है, उसके आसपास एक्चुअली में अप्रोक्सिमेट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो 2 पे डिफाइन नहीं है, 2 पे तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन 2 के जस्ट हम लोग क्या किए, आसपास की वैल्यू ले लिए कि 2 के जस्ट पहले क्या रहा होगा, 2 के जस्ट बाद क्या रहा होगा, उस केस में बोलेंगे हम लोग ये 4 क्या है, ये फाइनाइट नंबर है, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो कि ये लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है। इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू ए फाइनाइट नंबर, क्या लिख सकते हैं, ए फाइनाइट नंबर। और अगर हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन केस में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा गौर से कि लिमिट इस a को लिख सकते हैं x टेंड्स टू h, और फंक्शन हो जाएगा a माइनस h, ठीक है, इसका टू यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी यहां पे हो जाएगा h टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन a माइनस h इसका टू ए फाइनाइट नंबर,
ए फाइनाइट नंबर। एक्चुअली में क्या हो गया, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या रिप्लेस किए a माइनस h, x की जगह पे क्या रिप्लेस किए a माइनस h, यहां से हम लोग क्या किए x की जगह पे a माइनस h, जहां पे h क्या है, वेयर h इज ए वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेयर h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। इसको नोटेशन में लिखे हैं, जीरो इज ग्रेटर देन, सॉरी जीरो इज लेस देन h, less than very very h, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा लेकिन वन से बहुत 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 छोटा, इसी को हम लोग बोलते हैं h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, आप देखते हैं किसी भी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए उसका LHL दैट इज राइट हैंड लिमिट, सॉरी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी या फाइनाइट नंबर, ये तीनों बराबर होना चाहिए तभी हम बोलेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सारा लिमिट एग्जिस्ट ही होता है, आइए दिखाते हैं कुछ लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी होता है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसमें सबसे पहले LHL निकालेंगे, LHL मतलब हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अभी बताए थे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, तो 2 से थोड़ा सा कम ही अगर बात करें तो 1.999 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 से थोड़ा सा कम तक जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा वो 1 होगा, यानी कि यहाँ पे हम बात करें LHL कितना आया तो 1। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पे देखते हैं हम लोग LHL की, सॉरी RHL की, RHL क्या हो जाएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 2+, 2+ मतलब क्या, इस 2 पे हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा 2.0001, और इसका जो वैल्यू होता है लगभग, सॉरी एग्जैक्ट 2 के बराबर होता है, क्योंकि आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो बहुत अध्ययन से पढ़ चुके हैं कि अगर पॉइंट के से बाहर जो भी राशि रहती है उसको हम छोड़ देते हैं और सिर्फ इंटीजर पार्ट लेते हैं, पॉइंट के बाहर जो कुछ भी है उसको छोड़ के हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, इंटीजर पार्ट लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आया 2। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि LHL इज इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिटेड इज RHL इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्लियरली देते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, हैं हम कह सकते हैं कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इस केस में हम लोग देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन किसी आप बताते हैं आप लोगों को कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है, आइए देखते हैं। अभी हम लोग लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया उसका एक एग्जांपल देखें, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे लिमिट एग्जिस्ट करता है उसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर एग्जांपल कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos x इंटू टेन x, cos x इंटू टेन x, यहाँ पे जैसे हम लोग पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 पुट करके देखते हैं तो cos x, तो cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देख लेते हैं cos पाई बाय 2 इंटू यहाँ पे tan पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0 इंटू tan पाई बाय 2 मतलब sin by cos, यानी कि 1/0 जैसे इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। तो हम लोग देखते हैं कि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, इन
इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे लिमिट लगेगा, यानी कि इसका जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो तो जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है, जबकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो इसमें क्या लगेगा, लिमिट लेगा, यानी कि इसका एक लिमिटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो आइए देखते हैं उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे, पहला तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, यानी कि एल एच एल यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस, और पाई बाई टू माइनस का मतलब क्या हो गया कि cos x इंटू का कितना tan x, माइनस की बात हो रही है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे cos पाई बाई टू माइनस h इंटू का tan पाई बाई टू माइनस h। हम बार बार बता रहे हैं कि इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एच क्या है, एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, हम फिर से बता चुके हैं और लिख भी देते हैं, वेयर एच इज ए वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखते हैं कि h को क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको पाई बाई टू से थोड़ा सा पहले, एकदम थोड़ा सा पहले चाहिए। तो उस वैल्यू केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos पाई बाई टू माइनस h, मतलब साइन h, यहाँ पे लिखेंगे साइन h, क्योंकि आप लोग अच्छे से पता है कि cos पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, एंड tan पाई बाई टू माइनस h अगेन cot h। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो में नहीं घटा रहे, एग्जैक्ट जीरो घटाएंगे तो कितने हुए, क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो रहा है, इससे एच का वैल्यू जीरो से बड़ा और वन से बहुत छोटा होगा, यानी कि 0.00000000 बहुत सारा जीरो, तब जाकर एक को वन आएगा, वही हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखिए यहां से लिख सकते हैं साइन एच इंटू, और को क्या लिख सकते हैं, कॉस एच डिवाइडेड बाई साइन एच, साइन एच से साइन एच क्या हो गया, कैंसल। फिर से बता रहे हैं, अगर एच इक्वल टू जीरो होता तो साइन जीरो बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म में होता, लेकिन एच का वैल्यू कुछ है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इस केस में हमारे पास बचा है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे कॉस जीरो सॉरी कॉस एच, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, यहाँ पे cos x इनटू का फिर से कितना tan x। फिर से देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, इस बार क्या होगा प्लस, क्यों, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा cos x इनटू कितना tan x। फिर से हम लोग देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पे प्लस की बात हो रही है, तो पाई बाई टू में कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है, वही एच जोड़ेंगे जो कि बहुत ही छोटा क्वांटिटी होगा, तो जैसे एच जोड़ेंगे तो एच टेंड्स टू क्या होना चाहिए, जीरो, यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस एच इंटू का यहाँ पे टेन पाई बाई टू माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और कॉस पाई बाई टू, सॉरी जोड़ना है हम लोग को तो प्लस करना है, तो पाई बाई टू प्लस एच, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है और रेशियो भी चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या होगा साइन एच इंटू, यहाँ से भी क्या हो जाएगा माइनस का कॉट एच, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे साइन एच इंटू कॉट की जगह पे क्या लिखेंगे कॉस एच डिवाइडेड बाई साइन एच, फिर से एच एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इसी कारण हम लोग इसको कट कर सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस एच, जैसे इसका वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो कॉस किसके तरफ जाएगा, वन के तरफ, एक्स का वैल्यू, एच का वैल्यू जैसे जैसे जीरो की ओर जाएगा ये कॉस एच क्या बनता जाएगा, वन बनता जाएगा, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, वन। यहाँ पे हम लोग क्लियर देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वन, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। आइए देखते हैं हम लोग थ्योरम्स ऑन लिमिट।
थ्योरम्स ऑन लिमिट। सबसे पहले तो देखते हैं कि एक नंबर में लिमिट x टेंड्स टू a, अगर cos x की बात होगी तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं cos a, क्योंकि यहाँ पे देखना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्या केस में, ये तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैलिड है, cos की जगह पे sin लिख दें, sin की जगह पे tan लिख दें, tan की जगह पे cot लिख दें, cosec लिख दें, sec लिख दें, सबके लिए वैलिड है। फिर से देखते हैं यहाँ पे इफ लिमिट x टेंड्स टू a, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू m है एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इज इक्वल टू m है, ठीक है। मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू m कोई नंबर आया एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x किसी दूसरे फंक्शन का लिमिट क्या आ गया n आ गया, उस केस में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं दूसरा केस में इसको कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन का लिमिट भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट g ऑफ x x टेंड्स टू a, और इसका वैल्यू हम लोग क्या माने हैं m प्लस माइनस n, इसको बोलते हैं हम लोग समेशन ऑफ लिमिट, क्या बोलते हैं समेशन ऑफ लिमिट। उसी तरह सिमिलर केस में अगर हम लोग बात करें कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इनटू का लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m into n, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ लिमिट। फिर से हम लोग देखते हैं अगर आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, दो फंक्शन का डिवीजन है, उस केस में भी हम लोग लिमिट को सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x दैट इज m बाय n, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। Quotient of limit. ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, और अगर किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए लिमिट में, उस केस में भी हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। आइए उसको भी देखते हैं पांच में, लिमिट x टेंड्स टू a k इंटू f ऑफ x, अगर के कोई कांस्टेंट से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया हुआ होगा, उस केस में हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद उसमें लिमिट लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x वेयर k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होगा k into m। आइए देखते हैं अगर हम लोग यहां पे सिक्स की बात करें तो यहां पे लिखा रहेगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ g x, उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं फंक्शन को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a और हम लोग यहाँ पे gx की बात कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन, और इस लिमिट का तो वैल्यू हम लोग क्या मान चुके हैं n,
और ये तो आपका भी एक लिमिट होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो ये सिक्स थ्योरम है जो कि बेस्ट है लिमिट पे। आइए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है, जिसमें पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। जिसमें पहला कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। तो आइए देखते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। वेरियस मेथड टू सॉल्व लिमिट। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास लिखा हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाय 5x प्लस 9, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि 2 into 2, 2 into 2, 4 प्लस 2 into 2, 4 प्लस 9, यानी सारा पॉजिटिव नंबर है, नीचे में भी सारा पॉजिटिव नंबर है। तो ये वो 7 इनडिटरमिनेट के फॉर्म में नहीं आ रहा है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग आंसर लिखेंगे। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू टू और यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर टू टू पुट करने पे 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 9 स्क्वायर टू, इसका आंसर लिखेंगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 दैट इज 4 प्लस 4 8 प्लस 9 17 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 19, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जिस किसी भी लिमिट में अगर हम लोग देखते हैं कि वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आए, उस केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। और जो लिमिटिंग केस है लिमिट x टेंड्स टू 2 वो वैल्यू डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर लिखेंगे। दूसरा मेथड होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो देखिए इस केस में क्या होता है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। अगर कोई भी लिमिट दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ a इक्वल टू 0 बाय 0। अगर किसी भी लिमिट में अगर इस फॉर्म में दिया रहा है और उसमें x का वैल्यू डायरेक्टली पुट करने पे वो 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया, तब हम लोग बोल सकते हैं then x माइनस a इज a कॉमन फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ, अगर किसी भी लिमिटिंग केस में अगर देखते हैं हम लोग कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x में x का वैल्यू a डायरेक्टली पुट करने पे 0 बाय 0 के फॉर्म में आ जाएगा, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि x माइनस a इज ए कॉमन फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि f x में भी एक x माइनस a का फैक्टर होगा और g ऑफ x में भी एक x माइनस a का फैक्टर होगा, और जो दोनों में क्या होगा कॉमन होगा। इसी का दूसरा पॉसिबिलिटी है कि सेम केस में इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ठीक है, सच दैट
लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, और यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ माइनस a डिवाइडेड बाय f ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0/0. कहने का मतलब है कि अगर किसी भी लिमिट में x का वैल्यू माइनस से पुट करने पे अगर वो 0/0 के फॉर्म में आ जाता है तो उस केस में बोलेंगे हम लोग कि x प्लस a, क्या बोलेंगे, x प्लस a इज ए कॉमन फैक्टर ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन x प्लस a इज ए कॉमन फैक्टर ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ठीक है। कहने का मतलब कि x माइनस है, अगर हम लोग पुट करते हैं x की जगह पे माइनस है और वहां पे 0/0 आ जाता है, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, तो x माइनस a इज ए कॉमन फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और माइनस से पुट करने पे आता है तो x प्लस, और प्लस से पुट करने पे 0 आता है तो x माइनस। आइए इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बहुत सा एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, यहां पे हम लोग देखते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल कि x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ठीक है। तो यहां पे x का वैल्यू 2 पुट करने पे, जैसे ही x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, दैट इज x का वैल्यू जैसे पुट करेंगे हम लोग यहां पे 2, तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 दैट इज 0/0 के फॉर्म में आता है, यानी कि x माइनस 2 इसका क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा। इसको कैसे निकालेंगे, सो दैट लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे x माइनस 2, यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ठीक है, और इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ये एग्जिट 2 नहीं है, 2 की ओर टेंस कर रहा है। अब इसमें हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 डेट इज कितना होगा, 4 आंसर होगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल है, आइए आप लोग को वन बाय वन बताते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा के लिए, VVI की लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब डॉट 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 प्लस x का पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिमिट का डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए एज वेल एज माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, कि लिमिट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 प्लस एक्स का पावर एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम लोग देखते हैं कोशिश यही रहता है कि सबसे पहले तो चेक करें कि क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है भी या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, अगर x इक्वल टू 1 की बात करें तो x इक्वल टू 1 की बात करते हैं हम लोग, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्यूब 1 डॉट डॉट x का पावर n यानी 1 का पावर n कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो 1 + 1 + 1 कहां तक, n तक, टोटल वैल्यू कितना होगा, n होगा, n माइनस n कितना होगा, 0, और नीचे में भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। तो क्लियरली पता चलता है कि x का वैल्यू 1 पुट करने पे यहां पे कितना रहा, 0/0 के फॉर्म आ रहा है, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। इस केस में हम लोगों को तो ये पता चल गया कि x माइनस 1 जो होगा ये इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, और वही कॉमन फैक्टर को हम लोग को निकालना है और उसको कट करना है, उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करके हम लोग लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, तो थोड़ा सा रफ कर दें, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस पर 1 पुट करने पे कैसे 0/0 आ रहा है ठीक है। हम फिर से रिपीट करते हैं कि अगर x की जगह पे 1 पुट करें, आप लोग देख लीजिए कि 1 यहाँ पे बनेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का क्यूब, डॉट 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 1 का पावर n,
अब माइनस कितना होगा n डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, जरा गौर करके देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 करके 1 प्लस 1 का पावर n भी क्या होगा 1 ही होगा, अब माइनस क्या होगा n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 0। अच्छा 1 को n बार जोड़ा, ऐसे समझिए कि 1 को 2 बार जोड़ेंगे 2, 1 को 5 बार जोड़ेंगे 5, 1 को 10 बार जोड़ेंगे 10, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा n तो होगा n माइनस n डिवाइडेड बाय 0 दैट इज 0 बाय 0 व्हिच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, व्हिच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसी इनडिटरमिनेट फॉर्म को तो रिमूव करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, क्योंकि उसका फंक्शन वैल्यू कितना आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसका हम लोग को लिमिट अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि लिमिट x टेंड टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब डॉट डॉट प्लस x का पावर n माइनस n डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस n, ठीक है। इसको हम लोग x इक्वल टू 1 जब पुट कर रहे हैं तो देखते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आया, इसको तो हम आपको बताएं अच्छे से समझाएं। तो इसी इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है क्योंकि हम लोग को ये लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, हम लोग को फंक्शनल वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू तो 0/0 आ रहा है विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो आइए देखते हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे होगा और हम लोग कैसे लिमिट का अप्लाई करके इसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस डॉट 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 x का पावर n माइनस, अब इस n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग को तो अच्छे से पता होगा कि 1 प्लस 1 2, 1 को दो बार अगर जोड़ते हैं, 1 को अगर दो बार जोड़ते हैं कितना आएगा 2, 1 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, तो 1 को n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा n ही तो आएगा, यानी कहीं ना कहीं जो n लिखा हुआ है वो 1 को n बार जोड़ के लिखा हुआ है, यानी इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्रेस करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस n सॉरी 1 और यहाँ कितना बार लिखा हुआ है n टाइम्स, यानी कि 1 को n बार लिखा गया है तो यहाँ पे कितना आया n, ठीक है। अब इसको हम लोग नीचे में डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस x का स्क्वायर प्लस x क्यूब से कहां तक x का पावर n, और यहां भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो n है, यानी सारे 1 को हम लोग इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा x के साथ x यहाँ पे 1 है लेकिन इसके पहले ब्रैकेट के पहले क्या लगा माइनस 1 लिखा हुआ है तो माइनस 1 इंटू 1 कितना हो गया माइनस 1, तो यहाँ पे जैसे माइनस लाएंगे तो x माइनस 1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ से प्लस एडिटिव प्लस x स्क्वायर की बात होगी तो x स्क्वायर यहाँ से फिर उठा के लेंगे तो माइनस 1 एक साथ लिखेंगे, उसी तरह x क्यूब माइनस 1 डॉट 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 प्लस x का पावर n माइनस 1। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ भी n था, टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ भी n है, और सारे n को हम लोग क्या किए हैं जोड़ के एक साथ अरेंज करके लिख दिए हैं और यहाँ पे लिख दिए हैं x स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म पे लिखा हुआ है, तो जब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 प्लस का प्लस लिख दिए और यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो भी होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1, फिर से यहाँ पे प्लस लिखा हुआ प्लस लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब को फॉर्म पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे तो प्लस x का पावर n माइनस 1, दो तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए गौर से यहाँ पे x का पावर q था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जिसको मल्टीप्लाई क्या होता 3, 1, 2, 3, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना था 2 से मल्टीप्लाई किए, उसी तरह x का पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे वहां n टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इसको लिखेंगे। और एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे x
क्यों था, तो देखिए इसका फैक्टर कितना निकला, एक्स स्क्वायर एक्स, यानी कि पावर क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी एक्स का पावर एन है, तो इसका फैक्टर कैसा होगा, एक्स का पावर एन माइनस वन, फिर प्लस होगा एक्स का पावर एन माइनस टू, और डॉट 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 प्लस कहां तक जाएगा, वन तक। और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, एन ही तो होंगे, क्यों एन होंगे, क्योंकि यहाँ एक्स का पावर क्यू माइनस वन है, तो पावर कितना है थ्री, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसके फैक्टर के, थ्री। यहाँ भी x का पावर n है, तो x माइनस वन हटाने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बचेंगे, तो n ही तो बचेंगे। हाँ, तो इसको और बढ़िया से समझने के लिए क्या करेंगे, x का माइनस वन और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वन, जरा गौर करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा न्यूमरेटर में x माइनस वन यहाँ भी है, x माइनस वन यहाँ भी है, x माइनस वन यहाँ भी है और x माइनस वन यहाँ भी है। तो न्यूमरेटर के हर एक टर्म में आपको दिखाई देगा कि x माइनस वन लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू वन, x माइनस वन को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वन जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस x प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस डॉट 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 प्लस एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू और प्लस डॉट 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 कितना वन, और ये कितना एन टाइम्स, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब हम लोग x माइनस वन को तो इजिली में कट कर सकते हैं, क्यों कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x टेंड्स टू वन, x का वैल्यू एग्जैक्ट वन नहीं है, x क्या कर रहा है, 1 की ओर बढ़ रहा है। अगर x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 रहता तो ये 0 बाय 0 के फॉर्म में रहता, स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहता, जो कि हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिमिट का यूज किए हैं। x टेंड्स टू 1 का मतलब है कि वो एग्जैक्ट 1 नहीं, 1 से थोड़ा सा पहले या तो थोड़ा सा बाद, ठीक है। इसीलिए x माइनस वन जो कॉमन फैक्टर बोथ में आया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग क्या किए, कट कर दिए, और उसके बाद आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए फाइनली मेरे पास क्या बचता है, फाइनली जब कट करने के बाद हम लोग के पास बचा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस एक्स का पावर एन माइनस टू प्लस डॉट कितना वन, और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 करने पे 0 बाय 0 के फॉर्म पे नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिमिट का यूज करेंगे, x का वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट करेंगे, तो पता चलेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस x का पावर, यानी x के अंदर क्या पुट करना है 1, तो 1 का पावर n माइनस 1 प्लस 1 का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना 1 होल डिवाइडेड यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा और सॉल्व करके, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 3 प्लस डॉट 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 प्लस, देखिए यहाँ पे 1 होगा, 1 का पावर कुछ भी 1, 1 का पावर कुछ भी 1, और 1 प्लस 1 कितना बार लिखा हुआ n टाइम्स, यानी यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस 1 से लेके n टाइम, तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं, कितना n ही तो होगा, क्योंकि 1 को अगर 2 बार लिखेंगे तो 2 होगा, 1 को 5 बार लिखेंगे तो 5 होगा, और 1 को 10 बार लिखेंगे तो कितना होगा 10, उसी तरह 1 को n बार लिखा हुआ है तो कितना होगा n ही के बराबर तो होगा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2। यहाँ पे देखने से पता चलता है कि न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक n तक, यानी कहीं ना कहीं ये सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्या बाबू सम ऑफ नेचुरल नंबर, और सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आप लोग बहुत बेटर तरीके से जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और वे पहले से का 2 था तो यहाँ पे कितना हो गया 2, दैट इज यहाँ पे आंसर कितना होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको मैं बताता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल में दिखा के। नाउ आर यू गोइंग टू सी अनदर प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन। नाउ सी लिमिट x टेंड्स टू रूट टू एक्स का पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस 8। अगेन वी सी
If you put x is equal to root 2, then x का पावर 4, यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि रूट 2 का पावर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 8, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि रूट 2 का पावर 4 कहीं कहीं कितना 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय यहां पे 2 और प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 कितना 2 और 2 इंटू 3 कितना 6 और माइनस 8 यहां पे देखते हैं 0 बाय 0 विच इज अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगेन वी हैव टू सी यहां पे वी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग देखेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है। फंक्शनल वैल्यू तो 0/0 इंडिटर्मिनेट आता है, अब इसका हम लोग देखते हैं लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है। आइए देखते हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू रूट टू एक्स का पावर 4 माइनस 4 को लिख सकते हैं रूट 2 का पावर 4 रूट 2 का पावर 4, ठीक है। नीचे में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस 8, ठीक है। अब इसको देखिए फिर से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 2 एक्स टेंड्स टू रूट 2 एक्स का पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर का पावर कितना स्क्वायर। इस 4 को हम लोग स्क्वायर का पावर स्क्वायर कर सकते हैं, यहां भी पावर 4 है तो स्क्वायर का पावर स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे में इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स और माइनस 8। हम लोग जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको हम लोग ब्रेक किए हुए हैं। हम इसको देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 x स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हम मैं लिख दे रहा हूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर एक फैक्टर और दूसरा का फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, दूसरा का फैक्टर देखिए आप लोग। इसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, यहां से हम लोग x को अगर कॉमन लेते हैं तो x को कॉमन लेते x प्लस 4 रूट 2 x प्लस 4 रूट 2 और माइनस का रूट 2 का कॉमन लेते हैं, यहां से भी क्या हो जाएगा x माइनस 4 रूट 2। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 और यहाँ पे ये तो ठीक है x स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या 2, और यहाँ पे लेकिन देखते हैं कि अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, यानी कि x स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर दैट इज x प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस रूट 2, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा यहाँ से x प्लस 4 रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा x माइनस रूट 2। अब इस x माइनस रूट 2 और x माइनस रूट 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये टेंस कर रहा है 2 ना कि एग्जैक्ट ये क्या है रूट 2। अब जब कैंसिल कर लेते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं x इक्वल टू रूट 2 तब हम लोग खाली देते हैं ऑन अप्लाइंग limit then we get x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे रूट 2, यानी यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x के जगह पे रूट 2 और प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 4 रूट 2 और x के जगह पे हम लोग को क्या लिखना है रूट ओवर 2। तो फाइनली हम लोग के पास क्या मिलेगा 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 और यहाँ पे बचेगा
टू रूट टू, यहाँ पे फाइव रूट टू, यहाँ पे देखते हैं टू प्लस टू फोर, फोर इंटू टू कितना एट, यानी एट रूट टू डिवाइडेड बाय फाइव रूट टू, टू प्लस टू फोर, फोर इंटू टू एट, एट रूट टू यहाँ पे हो गया और नीचे में आ जाएगा फाइव रूट टू, रूट टू से रूट कैंसिल होके एट बाय फाइव, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें हैं फैक्टराइजेशन की, ये हम लोग देख रहे हैं एक प्रॉब्लम लेके कि कैसे हम लोग डायरेक्ट अगर लिमिट पुट कर रहे हैं तो वो जीरो से बाय जीरो के फॉर्म में आ रहा है, दैट इज इनडिटरमिनेट के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से चेंज कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से चेंज कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आया, एट बाय फाइव। ठीक है, लेट अस सी वन अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज योर एग्जाम। नाउ लिमिट x टेंड्स टू जीरो रूट ओवर x प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर x प्लस वन माइनस वन दैट इज क्यूब। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी आए, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग लिखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो x प्लस वन का पावर हाफ माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का पावर वन बाय थ्री माइनस वन, चूंकि यहाँ पे रूट है, रूट का मतलब क्या पावर हाफ, और यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ वन बाय थ्री। यहाँ गौर से देखने वाली बात है कि अगर हम लोग इसमें x का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो वन का पावर हाफ वन, वन माइनस वन जीरो, और नीचे में भी वन का पावर वन बाय थ्री वन माइनस वन दैट इज जीरो। तो यहाँ पे x इस तरह को जीरो पुट करने पे ये अभी भी क्या रहा है जीरो बाई जीरो के फॉर्म में, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यहाँ पे जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो लिमिट का काम क्या है कि इसी इनडिटर्मिनेट को फॉर्म को हटाना है और एक लिमिटिंग वैल्यू देना है, इस लिमिट का ये वैल्यू होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के बाद पे हम लोग देखें तो सबसे पहले पता चलता है कि इसका जो इंडेक्स है यानी जो पावर है वो तो फ्रैक्शन में है, यहाँ भी x प्लस वन का पावर वन बाई थ्री अगेन फ्रैक्शन में है, और हम लोग अभी तक जो भी फैक्टराइज किए हैं वो किसका किए हैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर का, जिसका मतलब फ्रैक्शन सॉरी जिस नंबर पे या जिस वेरिएबल पे पावर अगर हम लोग को मिलेगा इंटीजर उसी का हम लोग फैक्टराइज कर पाते हैं, अनदर फ्रैक्शन का फैक्टराइजेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसको पहले कन्वर्ट करते हैं इंटीजर के फॉर्म में, इस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे किस पे इंटीजर के फॉर्म में। तो देखिए 2 प्लस 3 सॉरी 2 इंटू 3 ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 6 होगा, यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे लेट x प्लस 1 का पावर 1 बाय 6 इज इक्वल टू t। हमने क्या किया कि x प्लस 1 का पावर 1 बाय 6 इज इक्वल टू क्या मान लिया t, और 6 ही क्यों माना क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना आता है 6। अब हम लोग को चाहिए 1 बाय 2, क्या चाहिए हम लोग को 1 बाय 2, यहाँ पे सिंपली में कैसे होगा क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड इसको क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड इस इक्वेशन को तो x प्लस 1 का पावर 1 बाय 6 का क्यूबिंग इज इक्वल टू टी क्यूब। ठीक है, अब ये 3 से ये तो कट जाएगा 6 टू बार में, अब जब x प्लस 1 का पावर हाफ इज इक्वल टू टी क्यूब, और सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे यानी कि x प्लस 1 का पावर 6 जब चेंज किए तो हम लोग को लिमिट भी तो चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम इसको लिखते हैं लिमिट है x टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे वेरिएबल t हो जाएगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम लोग को क्या करना होगा जैसे हम लोग वेरिएबल को चेंज किए हैं वैसे हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे लिमिट को भी चेंज करना होगा। तो देखिए
एट x टेंस टू जीरो यहाँ पे लिख देते हैं एज x टेंस टू जीरो, यहाँ पे x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो t कहाँ पे टेंस करेगा वन, क्यों x का वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट के लिए, अब वन बाई सिक्स वन का पावर वन बाई सिक्स इक्वल टू कितना वन, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, तो अगर लिमिट x टेंस कर रहा है जीरो पे तो वही लिमिट t कहाँ पे टेंस करेगा वन पे, तो हम लोग का जन नया जो लिमिट होगा देखिएगा ध्यान से, लिमिट t टेंस टू वन t ऊपर में क्या मिलेगा वन एक्स प्लस वन का पावर हाफ, एक्स प्लस वन का पावर हाफ का वैल्यू कितना टी क्यू, और माइनस वन तो पहले से है तो टी क्यू माइनस वन, नीचे में कितना टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू वन, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है t माइनस वन टी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि t और प्लस वन डिवाइडेड बाई t माइनस वन और t प्लस वन, ये t माइनस वन कैंसल क्योंकि ये टेंस कर रहा है, एग्जैक्ट वन नहीं है, एग्जैक्ट वन आता तो जीरो बाई जीरो हो जाता है जो कि कैंसल नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग अप्लाइंग लिमिट करेंगे, नाउ अप्लाइंग लिमिट तो हम लोग को क्या मिलेगा t इक्वल टू वन पुट करने पे वन का स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन दैट इज थ्री बाई टू आंसर, ठीक है। तो हम लोग आज के मॉड्यूल में बहुत सारा प्रॉब्लम देखें, लिमिट का इंट्रोडक्शन देखें, उस पर बेस्ट प्रॉब्लम देखें, और हम लोग देखें मेथड ऑफ डायरेक्ट एंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक में, या आगे के चैप्टर जब भी पढ़ाएंगे हम तो सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन और मेथड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे होम एंड सेफ, थैंक यू।